देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। अतिथिगणों को एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा की तरफ से नमस्कार। यहाँ पर काफी लोगों ने आपको संबोधित किया और मिली सर ने भी अपने बारे में जो यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है उसके विद्यार्थियों के बारे में उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बताया। सब मुझे ऐसा, मैं वहां से बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद इतना उपक्रम तो सरकार भी नहीं इतनी मेहनत करती जितना मिली सर ने मेहनत किया है बच्चों के। क्योंकि सरकार के पास में सारे संसाधन होने के बावजूद सरकार जो होती है कहीं ना कहीं चूक करती है, उतना इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। लेकिन मिलिंद सर बिना संसाधन के और वन मैन आर्मी के रूप में यदि विद्यार्थियों के लिए वो इतना बड़ा उपक्रम और इतनी चीजें सोच रहे हैं तो सच में सर आप सरकार से ज्यादा काम कर रहे हैं, ये मेरी शुभेच्छा है। और आने वाले समय में इसी तरह से आप लगे रहिए। मैंने आपके प्रोग्राम को आज पहली बार यहाँ पे ज्वाइन किया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक अच्छे प्रोग्राम में आया और अच्छे लोगों के बीच में आया। और निश्चित तौर पर भविष्य में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा एक नेशनल है, डेली न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से हम लोग जो डेली सुबह सुबह 1,00,000 लोगों तक जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, मैडम साहब बता रही हैं, तो ये जो उसके माध्यम से हिंदी मराठी में हमारा दो लैंग्वेज में आता है हमारा पेपर, तो जो भी आपको प्रसिद्धि लायक हमारे लायक सेवा होगी वो मुफ्त में मेरी तरफ से आपको दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये कि मैं हमेशा से, क्योंकि कुरार को काफी करीब से देख रहा हूँ, राजा राव हम गोकुलधाम में रहते थे, अब तो हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ते गया और आज पूरे देश में हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, काफी, क्योंकि मीडिया फील्ड होने की वजह से काफी राज्यों में हमारा पड़ता। तो आपका जो ये काम है, आपका जो अच्छा नेक उद्देश्य के साथ में जो आप विद्यार्थियों का भला कर रहे हैं, उस काम के लिए जहां पे भी आपके भाई की जरूरत पड़ेगी आपका भाई खड़ा है। हम ये वादा करते हैं आपको कि आपके काम को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। निश्चित तौर पर उसका जो विद्यार्थी अनजान है, जिनको उसके बारे में योजना के बारे में सही जानकारी नहीं है, उनको मार्गदर्शन जो भी चाहिए रहेगा, आपकी छोटी से छोटी जानकारी हर सुबह लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे अपने इस मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सर इतना मेरा कहना है कि मनीष कमर्शियल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों, मनीष कमर्शियल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों झूम कर आगे बढ़ो, जोश दरिया से बढ़कर जवानी में है चांद। सर कहां पर हैं? सर के लिए जो कुछ कहा गया, ऐसा कहते हैं माँ जैसा कोई ख्याल रखिए, माँ जैसा कोई ख्याल रखिए, ये सिर्फ ख्याल रखने की बात है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मिलिंद सर माँ की तरह ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चों का। मिलिंद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं मेरी बात को समाप्त करूँगा ये कहकर कि मैं खुश रहता हूँ, मैं, आपने बहुत बोला, आपका गला बैठ गया होगा, मैं खुश रहता हूँ और सबको खुश रखता हूँ, मैं खुश रहता हूँ और सबको खुश रखता हूँ, मैं बहुत लापरवाह हूँ, मैं बहुत लापरवाह हूँ पर सबकी परवाह करता हूँ, मुझे मालूम है मेरा कोई मोल नहीं, मुझे मालूम है मेरा कोई मोल नहीं, फिर भी आप जैसे अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ, फिर भी आप जैसे अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। मिलिंद सर आपके हाथ से निकले हुए बच्चे आसमान की बुलंदियों को छुए, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है और ज़्यादा समय नहीं लेकर बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सम्माननीय ओम प्रकाश मिश्रा जी महोदय।